अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियां मोहम्मद अफसल बट्टू ते तुसीं वेखदे पए हो डिजिटल सार पाकिस्तान। मेरे किसान वीर भराओ, ए सीजन दी मुंजी दे सीजन दी आखिरी वीडियो दोस्तों, क्योंकि मुंजी दे किले रह गए सन दो, इन्हां दी हुण होई है कटाई इस बूटा मशीन दे जरिए। तो इन्हां दा कोई ड्राइवर मिलता है सीनियर तो उहदे नाल गलबात करने भी सीजन उहदा किस तरह दा रहा है, किन्नी कु कटाई कीती सू, इस दी तुहानूं परफॉर्मेंस विखाने है। तो मुंजी हैगी है जनाब 1509। आओ चलिए इन परफॉर्मेंस देखिए तो मजीद गपशप करिए। तो यासीन कह रहा जी इन्हों भी फोटो ले लो, तो इन्हों को पुछो कितों मशीन लिया है, आप करने जी गल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम थोड़ा? अली मुर्तजा जी। अली मुर्तजा भाई, इस सीजन के कि कटाई की थी? 400 किले उत्ते कर ली। 400 किले उत्ते कर ली फाइना तो लैके अज तक? जी जी। और कितने दिन की कटाई बाकी है? थोड़े को तकरीबन एक हफ्ते की कटाई बाकी है। एक हफ्ते की कटाई बाकी है? हां जी। ये मशीन कैसी चली है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चली है। कितने ड्राइवर आने हैं? ड्राइवर एक ही है यार। तू ही? जी। माशाल्लाह जी, केड़ा इलाका है थोड़ा? मेरा इलाका जिला भावल नगर है। जिला भावल नगर है जी। तो मशीन भी उतों की है? नहीं, मशीन जिला उकाड़े की है। जिला उकाड़े की है। तो चलो ठीक हो गया। अली मुर्तजा दसा ने ना देखा जी, अली मुर्तजा अगले साल तुम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो 400 किला जी अली मुर्तजा कह रहे भी कट लिया है, तो हाली तो के हफ्ता का सीजन साढ़े को बाकी है। तो लेकिन दोस्तों अपने को बस यही सीजन है, आए दो किले किनोन स्काई रोड अल मदीना भंडारा एग्री कल्चर दीपाल पर लिखा हुआ है, उपर उन्होंने नाम वगैरह भी दिए हुए हैं, फोन नंबर लिखे हुए हैं। तो कपूरता बैक साइड से 551 स्काई रोड, सुबह सवेरे मशीन त्रेल है मेरा ख्याल है, यकदम कोई पराली शराली थले उत्ते हो गई है, तो रुक गई है, हम देखने भी की करती है। तो चार सौ किला जी, तो रेट इस बार तकरीबन 11,000 तो लैके 18,000 तक कटाइया करते रहे हैं। नज़र आती भी होगी दोस्तों, तो मकई ने जनाब इस बार किसानों के पुठे कन्न पकड़ाए हुए हैं। तो मकई जी है 4800 तो रिवर्स हो गए 1500, 1600, 1400 तक आई रही है। तो यकीन मानो भी जमींदारों के कड़ाके निकल गए हैं, हाली तो कि जान नहीं छड़ती पी। पहले कच्ची सेल हो जाती चंगे रेट से, इस बार कच्ची का रेट भी घट है, जो किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। अगर पॉलिसी होती तो जिन्नी किसानों को मकई किसानों ने स्टोर की थी या फिर जखीरा अंदोलन ने कर ली स्टोर, क्योंकि किसानों ने वेच दी 1500, 1600, 1800। अगर वो मकई दूसरे मुल्क तक दूसरे मुल्क में जनाब बेची जाती तो बहरों साढ़े मुल्क डालर जोड़े है वो बेशुमार आमने सन, बड़ा ज़्यादा सानू फायदा होना सी। लेकिन अफसोस सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, प्रॉब्लम आ रही है, जो मुंजी जी है ना मुद्द पटी गई है, अगे जाके फस गई है, चेक कर लो। ये गिल्ली दी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये त्रेल है मेरा ख्याल है, क्यों यासीन?
ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 600-600 ਕਿੱਲਾ 700-700 ਕਿੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਹੈ ਤਰੇਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜਾ ਹੀ ਮੌਜਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 6-7 ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਬੂਟਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿਆਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਕਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 80% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ 4 ਆਨੇ ਮਾਲਕ ਲਾਵਣ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੱਪ ਖਪਾਈ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੁਕਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਮੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਟੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।